दोस्तों मैं नाम सूर्य है, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। दोस्तों मैं जिगरा फिल्म देख ली है और फर्स्ट शो देखा पूरे इंडिया में, जो सबसे पहला शो था 7:30 का, वो देखा मैंने मुंबई में। और मैं आपको ये बता दूं कि फिल्म देखकर मेरी क्या ओपिनियन वो बताने वाला हूँ। लेट मी प्रीटी क्लियर, पहला हाफ और सेकेंड हाफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहला हाफ आपको एक उम्मीदें देता है, एक जोश देता है, ऐसा लगता है कि सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा रोमांच होने वाला है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस होने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्शन होने वाला है। लेकिन सेकेंड हाफ चाय कम पानी साबित होता है। पहला हाफ काफ़ी अच्छे से बुना गया है, सभी करेक्टर सही लगते हैं, सभी चीज़ें प्लेस में लगती है, एक स्टोरी सिंक में लगती है। लेकिन सेकेंड हाफ में ऐसा लगता है कि मिसफायर हो जाती है, जैसे बंदूक मिसफायर हो जाती है, जैसे गोविंदा ने अपने पैर पे खुद मतलब गोली कहीं और मारा था या पता ही क्या कहते हैं, उसके उनके पैर पे गोली लग गई। यानी कुल मिला के बात ये कि जो एक्सपेक्टेशंस फर्स्ट हाफ के बाद छोड़ा था सेकेंड हाफ के लिए, वैसा एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिला। और ऊपर से जो इंटरवल जो ब्लॉक है वो और बेहतर हो सकता था, एक तो ये बात है। आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस अच्छी है, नो डाउट, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, शक्ति का करेक्टर उन्होंने निभाया है। इसके अलावा वेदांग रैना है जो उनके भाई का किरदार निभा रहे हैं, उनका करेक्टर भी काफ़ी सटल है, काफ़ी ठीक ठाक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं ये समझ रहा हूँ कि फिल्म में इमोशंस जो है वो ओके है, और बेहतर हो सकते थे। स्टार्टिंग की फर्स्ट हाफ में जो इमोशंस है थोड़े बहुत वो, और एंड में एक इमोशंस थोड़ा अच्छा छोड़ा, हल्का सा, मतलब आंखों में हल्की नमी जो आएगी वो सेकेंड हाफ के एंड में आएगी। अदरवाइज फिल्म काफ़ी फ्लैट साबित हो रही है, डायलॉग्स और अच्छे हो सकते थे, चीज़ें और बेहतर हो सकती है। 2-3-4 करेक्टर्स के इर्द गिर्द फिल्म को घुमा के ख़त्म कर दिया गया है, कुछ और करेक्टर्स अच्छी तरह से पेश किए जा सकते थे, मेरा ऐसा मानना है। एक बोलते ना, एक ऐसा खाना बना दिया है जिसमें जिस खाने में नमक नहीं है, मतलब दाल में नमक नहीं है, बिल्कुल वैसे ही वाला चीज़ है कि खिचड़ी जो है वो कच्ची रह गई, बिल्कुल वैसे ही फील आ रहा है इस फिल्म को देखकर। पहला हाफ मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा था जिसे मैंने कहा, सेकेंड हाफ काफ़ी वीक होता है, और जिसे मिसफायर हो गई है बंदूक या मिसाइल वैसा कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुल मिला के अगर आप फैमिली ऑडियंस है तो आपको ये फिल्म बहुत ही कम पसंद आने वाली है, और अगर मल्टीप्लेक्स ऑडियंस जो है उन्हें फिल्म कहीं काफ़ी हद तक पसंद आ जाएगी। लेकिन जो नॉर्मल टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की ऑडियंस हमें, छोटे छोटे शहरों की ऑडियंस हैं, उन्हें फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली, उन्हें फिल्म नहीं समझने वाली है, मेरा ऐसा मानना है। इस फिल्म की एक अच्छी चीज़ पता है क्या है, इसमें अमिताभ बच्चन को एक तरह से ट्रिब्यूट दिया गया है, और अमिताभ बच्चन को जो ट्रिब्यूट दिया गया है वो लोगों को पसंद आएगा, वो थोड़ा सा मज़ा आता है। देखो वसंत बाला जो डायरेक्टर है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 1-2 फिल्म उसके पहले उन्होंने बनाई हैं, उन्होंने कोशिश अच्छी की है कुछ नया करने की, लेकिन उसमें अब पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए चीज़ें अब ख़त्म हो गई है, वो और बेहतर फिल्म बना सकते हैं, बट ही हैज़ टू अप हिज गेम, कुछ चीज़ें और बेहतर कर सकते थे। जैसे कि फिल्म पूरी प्रिजन ब्रेक के ऊपर ऐसा लगती है, क्योंकि प्रिजन ब्रेक वाला जो सीन है वो बहुत ही अजीब सा लगता है, वो हजम ही नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। यानी कि सीधी सीधी बात है, जैसे कि हम इंग्लिश फिल्म देखें ना, उसके बाद सीधा सीधा हमें भोजपुरी फिल्म दिखाने लग जाए सेकेंड हाफ के बाद, वैसा थोड़ा फील आया मुझे। यानी कि मज़ा नहीं आया सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में जो मज़ा था सेकेंड हाफ में वो नहीं आया है। तो लेट मी बी प्रीटी क्लियर, आपका पैसा अगर आपको डालना है एक फिल्म में जिसको देखकर आपको मज़ा आना चाहिए, तो ये फैमिली ऑडियंस के लिए प्रॉपर फिल्म नहीं है। हालांकि जो यूथ है उन्हीं फिल्म पसंद आएगी, और वो भी इसे एक बार आराम से थिएटर में देख सकते हैं। फिल्म की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कहा अमिताभ बच्चन वाला जो ट्रिब्यूट है, इसके अलावा 2-3 गाने उनकी फिल्म के हैं, अमिताभ बच्चन की फिल्मों के डायलॉग्स पर। इस फिल्म की एक अच्छी चीज़ पता है कि भाई बहन के प्यार के और उसके ऊपर भाई बहन का जो रिश्ता है उसके ऊपर ये फिल्म है, मुझे लगता है। फिल्म को रक्षाबंधन के वक्त आना था, बट स्टिल जो भी है, लेकिन यह है कि भाई बहन का जो प्यार है उसके ऊपर ये फिल्म कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखती है। वही चीज़ जो फिल्म की जो थोड़ी बहुत मुझे अच्छी लगी कि भाई बहन के लिए क्या कुछ करना चाहिए, वो वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा अच्छा लगा। अदरवाइज फिल्म काफ़ी फ्लैट है, फिल्म और बेहतर तरह से बनाई जा सकती थी। सेकंड हाफ के सीन्स ऐसा लगे बहुत ही रश में थे, मनोज पाहवा जैसे करेक्टर को आप अगर यूज़ कर रहे तो और अच्छे से आप अगर यूज़ करते सेकेंड हाफ में तो और मज़ा आता। स्टोरी बहुत रश में है, लास्ट आधा घंटा था ऐसा लगता है भगाने की कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश की है। फिल्म को थोड़ा सा एडिट कर सकते थे आप फर्स्ट हाफ में या सेकेंड हाफ में भी, तो फिल्म 2 घंटे के आसपास होती थी, फिल्म ज़्यादा मज़ा आता कट टू कट। लेकिन फिल्म जिसे मैंने कहा 2 घंटे 35 मिनट की है, तो बहुत लोगों को ये हज़म नहीं हो पाएगा। लेंथ यहाँ पे हल्का सा ड्रॉबैक प्ले कर रहा है, लेकिन ओवरऑल फिल्म में जो एक्साइटमेंट होना चाहिए वो मज़ा नहीं आ रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस एंटरटेनमेंट की फिल्म देखती है तो उन्हें फिल्म पसंद नहीं आएगी। हालांकि मुझे सिनेमा देखना पसंद है, अलग सिनेमा देखना पसंद, तो मुझे काफ़ी हद तक पसंद आई ये फिल्म, लेकिन इतनी पसंद नहीं आई कि मैं आप लोग को भी रिकमेंड करूँ, यूथ को जरूर रिकमेंड करूँगा एक बार आके आप देखें। फिल्म का BGM काफ़ी अच्छा है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। फिल्म में गाने एकदम एक डायलॉग जैसा है, गाने हैं नहीं समझ भी नहीं आता है। एक ऐसी फिल्म है जो आपको हजम नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगी, ये फिल्म की सबसे बड़ी कमी। फिल्म कनेक्ट करनी चाहिए, फिल्म बिल्कुल कनेक्ट नहीं करेगी।
लगेगी, ऐसा लग रहा होगा कि आप एक चाइनीज़ या फिर एक जापानीज या कोरियन फिल्म देख रहे हैं, ऐसा फील आपको आएगा। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग, एकदम जेन्यून रेटिंग, बिना समोसा खाए, बिना पकौड़े खाए, बिना किसी तरह का चीज़ें करें। और आपको आई होप वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद, बाय बाय।